जिला मुख्यालय पे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन है और भारी संख्या में यहाँ से लोग जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम मैं सागर नगर पालिका क्षेत्र के सभी मतदाता या कुल मतदाता बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक सभा बीआरपी इंटर कॉलेज टीडी कॉलेज के पास होने जा रही है जौनपुर में 1 बजे। मैं अपील करता हूं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से भारी संख्या में चलें और उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुने। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की 1/3 आबादी नगरों में रहती है और नगरों के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्प है। नगरों का जल निकासी, सड़क, नाली, पेयजल व्यवस्था, खेलकूद का स्टेडियम और पुस्तकालय, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था जैसी तमाम जो जनहित की चीज़ें हैं हमारे मुख्यमंत्री जी नगरों को देना चाहते हैं। मैं सागर के देवपुर जनता से पुनः अनुरोध करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में चलें और मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनकर लाभ उठाएं। धन्यवाद। अपने प्रत्याशी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपने प्रत्याशी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चुनाव अंतिम चरण में है, 4 तारीख को मतदान होने जा रहा है। आज पूरे सागर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का की लहर चल रही है। योगी जी और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर सागर की जनता भारतीय जनता पार्टी और गीता जायसवाल के विकास के कार्यों से संतुष्ट होते हुए कमल के निशान पर 4 तारीख को मतदान करने जा रही है और भारी से भारी मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा और गीता जायसवाल पुनः भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन बनेंगी।